हेलो एवरीवन, आज की क्लास में तिरछे अक्षर में जो वाक्य लिखे जाते हैं उन्हें आज लिखेंगे। आज का हमारा सेंटेंस है ट्रूथ इज ब्यूटी। शुरू करते हैं। सेंटेंस लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक रेखा खींचनी होगी। इस रेखा की लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। ये रेखा खींचने के बाद इस रेखा को क्षैतिज रेखा बोला जाता है। अब इसमें हमें एक 90 अंश का कोण बनाना है। 90 अंश कोण बनाने के लिए आप प्रकार की मदद लेंगे। प्रकार को आप इस पॉइंट पर रखेंगे और इसमें एक इस प्रकार से चाप लगाने के बाद प्रकार की साइज उतनी ही रखेंगे और इसको प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे और पहला कट इस प्रकार से लगाएंगे। इसके बाद दूसरा चाप इस यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद पुनः प्रकार की नोक आप इस चाप पे रखेंगे और ऊपर एक कट इस प्रकार से चाप लगाएंगे और दूसरी चाप आप इस पॉइंट से लगा देंगे। ये दोनों चाप जहाँ पे काट रहे हैं ये हमारा 90 अंश है। इन दोनों को आप मिला देंगे। मिलाने के बाद अब इसमें हमें एक न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण बनाने के लिए आप चांदे की मदद लेंगे। चांदे की सहायता से इसमें हमें एक 30 अंश का कोण बना देंगे। ये कोण आप कितना भी रख सकते हैं, 30 अंश, 45 अंश, 50 अंश। इसमें एक 30 अंश का कोण बनाने के लिए इस प्रकार पॉइंट रख देंगे और इस पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट मिला देंगे। इस रेखा को मिलाने के बाद अब हमें इसमें 2:3:2 का रेशियो निकालना है। तो ये रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले इन सबको ऐड कर देंगे तो ये 2:3:5:5:7 हो जाएगा। तो ये जो हमने 30 अंश की रेखा खींची है इस रेखा में हमें 7 चाप लगाने हैं। ये जो चाप रहेंगे ये चाप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक निश्चित दूरी आप प्रकार में इस प्रकार से मान लेंगे और इस पॉइंट से हम पहला चाप लगा देंगे। इसी प्रकार से प्रकार की नाप को आपको कम ज़्यादा नहीं करनी और आगे की ओर हम इसमें 7 चाप लगा देंगे। ये सभी चाप लगाने के बाद इसमें हम यहाँ पे इसके नंबर डाल देंगे। यहाँ से 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 इस प्रकार से नंबर डाल देंगे और ये सभी 7 चाप एक निश्चित दूरी पे होने चाहिए। अब इसके बाद हमें 10 मिलीमीटर कह रहा है या 1 सेंटीमीटर कहता है तो हम इसकी एक नाप ले लेंगे। तो 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इसलिए इस पॉइंट से हम ऊपर की ओर यहाँ पे एक पॉइंट इस प्रकार से रख देंगे। इसके बाद जहाँ पे ये 2 पॉइंट लिखा है इस 2 वाले पॉइंट को आपको ये जो आपने अभी चाप लगाया है इन दोनों को मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद ये हमारा आधा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद ये दूसरी रेखाएं खींचने के लिए आप ये सेट स्क्वायर लेंगे। इस सेट स्क्वायर को आपको इस वाली रेखा में इस प्रकार से रखना है और इस तरफ पटरी लगाना है और इस सेट स्क्वायर को आप नीचे की ओर लेकर जब आएंगे तो इसको 3 वाले पॉइंट तक लाना है। जहाँ पर ये 3 लिखा रहता है इस वाले भाग से देखेंगे तो जहाँ पर ये मिलेगा वहाँ पर इस प्रकार से एक पॉइंट रख देंगे और इस पॉइंट को 3 वाले चाप से मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद पुनः हमें रेखा खींचनी है तो इसी वाले रेखा पे हम ये सेट स्क्वायर रखेंगे और इस तरफ पटरी लगाएंगे और इस वाले सेट स्क्वायर को अपने नीचे की ओर बढ़ाएंगे और जहाँ पे 2 आ रहा है 2 वाले से जहाँ पे ये काटेगा इस प्रकार से पॉइंट रख देंगे और इन दोनों को आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद इस प्रकार से आप देखेंगे ये हमारा 2:3:2 बन चुका है। इतना करने के बाद इस तरफ आएंगे और इसकी दूरी हमें 1 सेंटीमीटर थी तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दूरी नाप के इस प्रकार पॉइंट रख देंगे। इसके बाद ये जो हमारी रेखाएँ रहती हैं इन रेखाओं को हम आपस में इस प्रकार से अंत में मिला देंगे और इस ये जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं इन एक्स्ट्रा लाइनों को हम इरेज कर देते हैं। इस रेखा को हम आगे की ओर बिल्कुल समांतर ऊपर वाली रेखा के बढ़ा देंगे। याद रखना है इसकी नाप कम ज़्यादा ना हो, इस प्रकार से इसको सीध बिल्कुल बढ़ा देंगे। इसी प्रकार से ये जो नीचे की रेखा है इसको भी हम बढ़ा देंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे ये हमारा ग्राफ बन चुका है। ये हमारा 2, ये 3 और ये ऊपर का 2 हो गया। अब इतना करने के बाद अब हमें एक 75 अंश का इसमें कोण बनाना होता है। तो 75 अंश कोण बनाने के लिए आप चांदे की मदद से कहीं इस रेखा पे कहीं पे भी एक पॉइंट इस प्रकार से मान लेंगे और इसमें एक 75 अंश का कोण यहाँ पे बना देंगे। एक पॉइंट इस प्रकार से रख देंगे। इस पॉइंट को इस वाले भाग से मिलाते हुए इस प्रकार से रेखा खींचेंगे तो यहाँ से कहीं से भी इस प्रकार से एक छोटी रेखा खींच देंगे। अब इसी रेखा की समांतर हम आगे की ओर इसमें और रेखाएं खींच देते हैं।
ये जो 75 अंश की रेखाएं रहेंगी ये अपनी कितनी भी आप इसमें बना सकते हैं, ऐसा रूल नहीं है कि दो बनाए या तीन या चार। इतना बनाने के बाद ये जो रेखाएं रहती हैं 75 अंश की, इनको हम एक बराबर कर लेते हैं जिससे ये देखने में अच्छा लगे। इसमें आप ट्रूथ इज ब्यूटी लिखेंगे, सबसे पहले ट्रूथ लिखेंगे TRUTH इज ब्यूटी। ट्रूथ इज ब्यूटी लिख चुका है। लिखने के बाद जितने भी ये हमारे अल्फाबेट हैं इन सभी को हम और डार्क कर देंगे जिससे ये समझ में आने लगे। डार्क करने के बाद ये हमारा ट्रूथ इज ब्यूटी लिख चुका है। आपको इसी प्रकार से इसको लिखना है। साथ में याद रखना है इसमें ऑब्जेक्टिव में दो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो हम अक्षर लिखते हैं इन अक्षरों का झुकाव कोण कितना रहता है, तो इन अक्षरों का झुकाव कोण 75 अंश रहता है। दूसरा प्रश्न रहता है ये अक्षर लिखने के लिए जो इसमें रेखाएं खींची जाती हैं इनका अनुपात क्या रहता है, तो तिरछे अक्षर लिखने के लिए जो अनुपात रहेगा वो 2:3:2 रहता है। तो आपको इस ग्राफ से दो प्रश्न आपको याद रखने हैं कि अक्षरों का झुकाव कोण 75 अंश होता है और तिरछे अक्षर लिखते समय रेखाओं के बीच का अनुपात 2:3:2 होता है। यदि इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।